भगवान बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे। उनके मन में अलग अलग तरह के प्रश्न आ रहे थे। उन्हें उन प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन बहुत सारी कोशिशों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की, बहुत सारे कष्ट सहन किए। तपस्या में भी सफलता की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। वे उदास मन से इन्हीं प्रश्नों के बारे में सोच रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी। वे जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहां उन्होंने एक बहुत ही प्यारा दृश्य देखा। एक गिलहरी मुंह में कोई फल लिए सरोवर के पास आई। फल उससे छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा फल पानी की गहराई में जा रहा है। गिलहरी ने पानी में छलांग लगा दी। उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ दिया और फिर से सरोवर में कूद गई। उसने यह क्रम जारी रखा। बुद्ध उसे देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान थी। वे लगातार अपने काम में जुटी रही। बुद्ध सोचने लगे, ये कैसी गिलहरी है? सरोवर का जल ये कभी नहीं सुखा सकेगी, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत है, यह पूरी शक्ति लगाकर सरोवर को खाली करने में जुटी है। अचानक बुद्ध के मन में विचार आया, यह तो गिलहरी है, फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी है। मैं तो मनुष्य हूँ। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मन में निराशा के भाव आने लगे। मैं निराश होने लगा। मैं फिर से तपस्या में जुट जाऊंगा। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने गिलहरी से भी शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में जुट गए। और एक दिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और वे भगवान बुद्ध हो गए। तो बच्चों, ये थी कहानी गौतम बुद्ध की। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।